नमस्कार आदाब न्यूज़ क्लिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बारे में और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सी की पॉलिट ब्यूरो मेंबर सुभाष नेहली जी न्यूज़ क्लिक में आपका बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी आ, पहला सवाल मेरा रहेगा उन्नाव पूरे जो मामला रहा है, है उसके बारे में कि किस तरह से अब हमें पता चल रहा है कि यूपी पुलिस ने दरअसल बहुत सारी खामियां छोड़ी उसकी जांच में और वो मामला इतना बढ़ गया है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरवीन करना पड़ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं दरअसल ये जो नाव का मामला है ये एक प्रतीक है उत्तर प्रदेश में जो कुछ पिछले दो ढाई साल में हो रहा मैं ये नहीं कहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में इसके पहले सब बहुत शांतिपूर्ण था या सबको न्याय मिल रहा था पहले से ही बहुत अन्याय है उस प्रदेश में और महिलाओं के साथ बहुत हिंसा महिलाओं के ऊपर बहुत अत्याचार अपराध ये सारी स्थिति रही है उत्तर प्रदेश में लेकिन अब जो हो रहा है उसमें एक ज़बरदस्त भेदभाव का व्यवहार हमको देखने को मिलता है ये जो मामला है उन्नाव का क्योंकि उन्नाव बिल्कुल हमारे बगल का ज़िला है कानपुर से लगा हुआ है और ये जो विधायक है जी। सेंगर ये एक बहुत ही प्रभावशाली शक्तिशाली आदमी है इसकी माँ भी वहाँ पर प्रधान थी उस गांव में इनका और उस इलाके में इनका बोलबाला है ये कई कॉन्स्टिट्युएंसी से जीता है ये पार्टी भी बदलता है कॉन्स्टिट्युंसी भी बदलता है लेकिन जीतता है क्योंकि प्रमुख रूप से ये बालू के खनन का काम करता है और ये बालू का जो खनन का काम है ये आप समझ लीजिए कि जैसे अगर आप जाएं बांदा की तरफ या आप जाएं किसी और इलाके में जहाँ ये होता है तो बालों का खनन करने वाले जो होते हैं वो धीरे 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 उस पूरे इलाके पर एक तरह सा उनका राजनीतिक आर्थिक और बाहुबल का बिल्कुल प्रभुत्व जम जाता है उनके ख़िलाफ़ कुछ भी करना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है तो ये उसका बैकग्राउंड है और फिर ऐसे लोग नेता भी बनते हैं उनके स्कूल्स भी होते हैं उनके अलग अलग तरह के धंधे भी होते हैं तो ये उस गांव में जो माखी गांव है उसी में उसका घर है और इस लड़की का घर भी बिल्कुल उनके घर के सामने था दरअसल बहुत से लोग समझ जानते नहीं हैं वो लड़की भी उसी बिरादरी की है जिसके सिंगर हैं लेकिन वो बहुत गरीब परिवार की है और उसके बाप और उसके चाचा उनका विधायक के साथ केवल आना जाना नहीं बल्कि उनके कई काम करना और उनके साथ लगना ये भी उनका पूरा इतिहास रहा है अपराध में पता नहीं, नहीं हम नहीं कहेंगे लेकिन जैसे इलेक्शन के कैंपेन में या और उनका ख़ुद का आना जाना इनके घर में था क्योंकि खुद उस लड़की ने बताया कि हमारी दादी के हाथ से अंडा खाते थे हमारे घर आते थे और उसने ये भी कहा कि इसकी हमको नज़रें अच्छी नहीं लगती थी जब मैं बच्ची थी तब भी खैर ये लोग बहुत गरीब लोग हैं तीन बहनें हैं और 2017 में जब आ, ये एक नौकरी के लिए उसके पास गई कि मुझे टीचर बना दीजिए या स्कूल में रख लीजिए तब उसने इसके साथ बलात्कार किया और बड़े मार्मिक ढंग से उस लड़की ने बताया कि मैं रोती रही और चिल्लाती रही तो उन्होंने मेरे आंसू पूछ पोच, पोच के कहा कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी इसलिए मतलब हमारा तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकते लेकिन मेरे आंसू भी पोछे आप सोचिए मतलब ये ये अपने आप में ये जो शब्द उसने इस्तेमाल किए हैं इतने मतलब एक तरह से हिला देने वाले हैं कि ये किस तरह के लोग हैं खैर उसके बाद आ, उसको और भी ज़्यादा डराने के लिए उसने उसका अपहरण भी करवाया और फिर वो पता नहीं उसके साथ क्या क्या हुआ काफ़ी उलझी हुई गुत्थी है फिर वो किसी तरह से वापस आई और उसकी एफ़आईआर भी लिखी गई और जो अपहरण करता थे वो कुछ उनमें से गिरफ्तार भी हुए उसके बाद वो लड़की उसके चाचा दिल्ली में थे दिल्ली आ गए उसने अपनी चाची को बताया कि विधायक का भी उसमें उस शुरुआत उसी से हुई थी तो फिर चाचा उसको वापस लेके गया और उनको एक लगा कि ये तो हम लोगों के साथ एक विश्वासघात हुआ है क्योंकि पारिवारिक संबंध थे हमारे और इसलिए वो गए वापस और उस वक्त मुझे याद है कि उसके कुछ ही दिन बाद या कुछ दो चार महीने बाद हमारी महिला समिति के लोग भी उस लड़की से मिले और उसने कहा कि पुलिस वालों ने ख़ुद कहा कि विधायक का नाम मत लिखो वरना तुमको न्याय बिल्कुल नहीं मिलेगा और उन्होंने शुरू में तो विधायक का नाम लिखने से ही बिल्कुल इनकार कर दिया लेकिन वो लड़की और उसका परिवार मतलब वो तब योगी जी बन गए थे चीफ मिनिस्टर उनके वो जो एक पब्लिक दर्शन होता है उसमें भी गए उनको वहाँ भी दरख्वास्त वगैरह दी और ये बात आती रही कि ये लोग चुप नहीं बैठे हैं ये कुछ कर रहे हैं और बाप एक तरह से गांव छोड़ के चला गया क्योंकि उसको भी डर था कि ये लोग बदला लेंगे लेकिन इस लड़की की जो दादी है वो बहुत बीमार थी तो वो बाप आया एक दिन गांव में उनकी दवा लेकर के और तब वो विधायक के भाई और दूसरे लोगों ने उसको सामने ही वहाँ नीम का एक बड़ा पेड़ है उसके साथ उसमें बांध करके उसके ऊपर पानी डाल डाल करके ताकि बेहोश न हो उसको पीटा और उसके ऊपर एक झूठा मुकदमा दायर करके उसको जेल भेज दिया और जेल के अंदर भी वो मारा गया जैसा कि पता चला है हवालात में भी मारा गया और वो मर गया उसके बाद जब ये परिवार गया मुख्यमंत्री के घर और उन्होंने अपने आप में आग लगाने की कोशिश की तो फिर एफआईआर में उसका नाम दर्ज हुआ सिंगर का लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई उसके कुछ दिन के बाद मतलब हाईकोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा उच्च न्यायालय को और उनके हस्तक्षेप से उसकी गिरफ्तारी हुई और मामले की जांच फिर मतलब एस बनाई गई और को दी गई फिर वो चलता रहा लोगों ने सोचा कि हाँ कुछ हो रहा होगा लेकिन हम लोग सब जानते थे कि इस परिवार के लिए लड़ना कितना मुश्किल है क्योंकि एक तो बहुत गरीब है और उसका जो पूरा आतंक था और अब उस आतंक के साथ जो पूरा सरकार का रवैया है और एक जाति की भावना भी इसमें जुड़ी हुई है तो अभी जो पता चल रहा है जो अब उस एक्सीडेंट के बाद ये कहना कि पुलिस ने इसमें मतलब ठीक से काम नहीं किया ये बिल्कुल गलत बात है इसमें सरकार के इशारों पर पूरा संरक्षण विधायक को दिया गया आप सोचिए एक आदमी जेल में है और जेल से ही उसको पूरा पता चल रहा है कि वो लड़की कहाँ गई कहाँ नहीं गई उसका घर उस लड़की के घर के सामने है लड़की और उसके परिवार को वहाँ से हटा दिया गया उनको पुलिस गार्ड दिए गए और वो पुलिस गार्ड सारी खबरें विधायक के परिवार को और विधायक को दे रहे थे कि यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो विधायक का घर है अब पता चल रहा है कि वहाँ भी एक कैमरा था जिसमें इनके घर का सारा घटनाक्रम दिखाई देता था और इन लोगों के पास भी वीडियो है कि किस तरह से उनको धमकियाँ दी गई लगातार और बार बार इन्होंने प्रशासन से अधिकारियों से बताया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ उनकी कोई बात भी नहीं सुनी गई और उसके बाद फिर ये घटना घटी जिसमें वो जो चाचा है वो जिस जेल में है तो एक दोनों चाचियों के साथ और अपने वकील के साथ ये लड़की जा रही थी रायबरेली की तरफ और फिर वो ट्रक ने वहाँ धक्का मारा लेकिन इसमें भी कभी बात आती है ट्रक के ड्राइवर की कभी कोई दूसरी बात आती है कि वो रॉन्ग साइड वो सब बेकार की बातें हैं असली चीज क्या है कि वो ट्रक पोल बूथ के सामने से निकली और पोल बूथ से आप निकल नहीं सकते हैं जब तक कि आपके गाड़ी का नंबर वहाँ पर नोट ना हो तब तक आप वहाँ से पास ही नहीं कर सकते हैं तो ये सवाल का जवाब ना कोई सवाल पूछ रहा है ना सवाल का जवाब मिल रहा है कि वो ट्रक जिसकी गाड़ी का नंबर बिल्कुल काला उस उसके ऊपर पोत दिया गया था वो कैसे निकली और वहाँ के लोगों ने उसका नंबर क्यों नहीं पूछा उसको जाने उसको जाने कैसे दिया उसकी पर्ची क्यों नहीं कटी इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं से कोई बात आई होगी कि ऐसी गाड़ी आएगी उसको छोड़ देना उसके बारे में कुछ पूछताछ नहीं करना तो वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है और उसके बाद फिर जिस तरह से उसमें टक्कर मारी गई उनकी गाड़ी में और वो लड़की हम लोग सब जानते हैं कि आज भी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है तो ये कहना कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया है तो पुलिस की बहुत सी खामियाँ की जानकारी मिली है ये बात सही नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों हस्तक्षेप किया कि जब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई मतलब इसमें अब कितने लोग मर चुके हैं एक तो लड़की के साथ गैंग रेप हुआ उसका बाप मर गया अब उसकी दो चाचियाँ भी मर गईं वो ख़ुद भी मतलब ज़िंदगी और मौत के बीच में लटकी हुई है उसका वकील भी उसी हालत में है तो एक तरह से जो मतलब लोगों के अंदर आक्रोश पैदा हुआ और जो लोगों ने तमाम सवाल किए और पूरे मीडिया ने उसको टेकअप किया हालांकि अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ लोगों को लगता है छोटी बात है या सरकार उसको दबाना चाहती तो वो दब जाती है लेकिन ये इतनी बड़ी हो गई थी कि ये फिर दब नहीं सकती थी और इतने सवाल पूछे गए तमाम चैनल्स के ऊपर इसका डिस्कशन आया तमाम बातें निकल करके आई और सबसे बड़ी बात क्या है लोग सोच रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से हस्तक्षेप किया नहीं उस लड़की ने एक चिट्ठी चीफ जस्टिस को लिखी थी और उसके साथ बहुत सारे उसने प्रमाण भी संलग्न किए थे कि ये मेरे साथ हो रहा है और मुझे न्याय चाहिए तो एक्चुअली उस चिट्ठी की तरफ भी उनका ध्यान तब गया जब ये एक्सीडेंट हुआ।, हुआ।, हुआ और उनको लगा कि हाँ वो एक चिट्ठी भी आई है या रजिस्ट्रार ने कहा होगा कि साहब उनकी एक चिट्ठी भी आई है तब जा कर के उस मामले को देखा गया और फिर बड़े सख्त आदेश किए गए लेकिन अभी भी सवाल ये है कि ये पॉक्सो का केस है इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट होना चाहिए अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं भी होता है तो भी इसकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए साल से दो साल से मामला लटका हुआ अभी तक इसकी सुनवाई शुरू भी नहीं हुई तो इसके लिए तो पुलिस जिम्मेदार नहीं है नहीं। इसके लिए तो सरकार जिम्मेदार है तो मेरा ये कहना है ये उत्तर प्रदेश की सरकार है जो पूरी तरह से इस मामले के लिए जिम्मेदार है और उन्हीं का संरक्षण प्राप्त था इस विधायक को इसीलिए तो डीजीपी एक्सीडेंट वाले दिन कहते हैं कि हम लोग इसको एक साधारण दुर्घटना के रूप में देख रहे हैं फिर वो शाम तक अपनी भाषा को बदलते हैं तो पहले उन्होंने ऐसी बात क्यों कही थी बिना इंक्वायरी के उन्होंने कैसे कह दिया कि हम इसको इस तरह से देख रहे हैं तो इसमें पूरी तरह से सरकार लिप्त है लोग कह रहे थे कि उसको पार्टी से क्यों नहीं निकाला गया तो पार्टी से क्यों निकाला जाए ऐसे लोग तो बहुत सारे उस पार्टी में पड़े हुए हैं बड़े नेता भी हैं उनसे मिलने के लिए भी नेता गए जब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हुआ हुआ तो उनको कहा गया कि हमने निकाल दिया लेकिन उसके बाद भी दो दो तीन तीन विधायक उन्नाव डिस्ट्रिक्ट के ही उसके पक्ष में खुलेआम बोल रहे हैं खुलेआम उसकी पैरवी कर रहे हैं कह रहे हैं उसके साथ बहुत गलत हुआ हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वो निकल करके हमारे बीच में आए तो इसका क्या मतलब है कि ये सिर्फ नाम के वास्ते निकाले गए हैं वो बहुत पूरी तरह से उस राजनीत और उस परिवार के साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं पूरा उनको संरक्षण प्राप्त है ये तो इतना हल्ला हो गया इतनी मतलब थूथू हुई है सरकार की के सरकार को भी मतलब आ, मामले में कम से कम जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उसका पालन करना ही पड़ा लेकिन हमने देखा कि वो आदमी जब आ रहा था लख सीतापुर से दिल्ली तो रास्ते में प्रेस से खुले आम बात कर रहा था हम लोग भी गिरफ्तार हुए प्रेस वाले हम लोग के नजदीक नहीं पहुंच पाते वो पूरी पुलिस की कस्टडी में लाया जा रहा था दिल्ली और रास्ते में अपनी मतलब अपने निर्दोष होने की बात पूरे प्रेस से कह रहा था तो पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त है और मैं कहूँगी कि ये पूरा अगर हम वाक्य देखें तो ये बताता है कि किस हद तक वो सरकार अपने चहेतों को बचाने के लिए जा सकती है और कितनी बड़ी कीमत न्याय पाने के लिए किसी को चुकानी पड़ती है उस लड़की का मतलब परिवार आप देखिए बाप भी मर गया चाचा जेल में चाचियाँ मर गई वो खुद भी बचेगी कि नहीं बचेगी उसका वकील भी सीरियस है तो कितना लोग कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे न्याय के लिए उत्तर प्रदेश में जी आ, इसके साथ ही ये उनाव मामले के साथ एक बहुत बड़ा मामला जो अभी कुछ हफ्तों पहले ही हुआ है यूपी में जो सोनभद्र में जो दस आदिवासियों को गोली मार के उनकी हत्या की गई है ये पूरा मामला भी दिखाता है कि किस तरीके से जो मार्जिनलाइज uh, तबका है यूपी का वो बिल्कुल भी वहाँ सुरक्षित नहीं है तो उस मामले में आप थोड़ा सा बताएं देखिए अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में आज से नहीं लंबे समय से और इस सरकार के दिल्ली में और फिर यूपी में आने के बाद से एस और एस जो समुदाय हैं उनके ख़िलाफ़ जो अट्रॉसिटीज़ हैं उनमें लगातार बढ़त हो रही है इनमें बहुत कुछ है जो दलित लड़कियों के साथ होता है और जो वो अप्रैल में जो बंद हुआ था जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो उत्तर प्रदेश में इसकी बात कम प्रसारित हुई मध्य प्रदेश की बात ज़्यादा निकल के आई लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ जेल के अंदर नाबालिग दलित बच्चों को भी मतलब मामूली प्रिजनर्स के साथ रखा गया था जेलों में जो कि बहुत बड़ा अपने आप में जुर्म है और बड़ी मुश्किल से उनको वहाँ से छुड़ाया गया अभी भी बेल पे हैं केसेस वापस नहीं हुए हैं तो इस तरह का अत्याचार वहाँ पर एक आम बात है तो, तो ये जो अभी ये घटना घटी है तो यहाँ पर ये लोग कई कई दशकों से 600 बीघे की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और वहाँ पर उनको ये बताया गया कि ये ज़मीन किसी सोसाइटी की है तो वो सोसाइटी को लगान भी दे रहे थे हर साल मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ कब्जा करके खेती कर रहे थे और तीन हज़ार रुपये प्रति बीघा हर साल के हिसाब से वो लगान भी दे रहे थे सोसाइटी को फिर अभी एक दो साल पहले सोसाइटी से पता चला कि उन्होंने बारह सौ बीघा वहाँ पर जो एक प्रधान है उसको बेच दिया है और तब से वो कोशिश कर रहा था कि इनकी ज़मीन वो हड़पे इनका मामला वहाँ पर जो लोकल न्यायालय वहाँ भी चल रहा है फरवरी में प्रधान ने कोशिश की थी कब्ज़ा करने की लेकिन उस वाह में वो हो नहीं पाया अभी तमाम इन लोगों ने रिपोर्टें की थी थाने में कि हम लोगों को ख़तरा है कि वो होगा कुछ न कुछ बलपूर्वक कब्ज़ा करने की कोशिश करेगा लेकिन कोई बात नहीं हुई सत्रह तारीख को चौंतीस ट्रैक्टर ट्रॉली में सैकड़ों लोगों को भर करके प्रधान लेके आया उनके हाथ में इसल था भरसा था लाठी थी और 25 तीस किलोमीटर वो लोग खुलेआम सड़क पर चलते हुए आए दोपहर को करीब बारह बजे किसी थाने ने देखा नहीं किसी पुलिस वाले ने देखा नहीं और वो लोग वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ से आदिवासी लोग जो थे गोंद लोग वो वहाँ रुपाई का काम कर रहे थे मतलब जो ट्रांसप्लांटेशन होता है धान का तो औरतें भी काम कर रही थी और धूप बहुत थी तो आदमी लोग एक जामुन के पेड़ के नीचे बैठे थे वहाँ तो उन्होंने देखा उनको आते हुए तो वो लोग भी थोड़ा सा सतर्क हो गए कुछ लोगों ने फ़ोन ऑन भी किया कि ये हमला होने वाला है तो गांव के भी लोग सतर्क हो गए उन्होंने भी बताया और ये औरतें खेत से निकल करके आईं और उन्होंने सबसे पहले सामना किया इन लोगों का और इन लोगों ने आते ही अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी वो जो जामुन के पेड़ के नीचे एक पुलिया है उसमें अभी भी गोलियों के निशान हैं और बहुत बड़ी उसकी डाल गिर पड़ी है जिसको गोली लगी थी और वो गिर गई और वहाँ पर दस लोग वहीं पर मर गए गोली खा के जिसमें तीन औरतें भी थीं जो रोपाई कर रही थी और तमाम लोग थे जिनके पैर में गोली लगी जिनके जांग में गोली लगी और जो वहाँ से भागे और हाहाकार वहां मच गया और फिर पुलिस भी आ गई और ये लोग भी वहां से चले गए और इन लोगों ने जो खेती कर रहे थे उन्होंने अपना कब्जा नहीं छोड़ा उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए लेकिन हम इस जमीन पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे और आज भी वो काबिज हैं आज भी उस पर वो खेती कर रहे हैं तो जब ये बात बाहर आई तो शुरू शुरू में अपने चिर परिचित अंदाज में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये तो कांग्रेस के समय की समस्या है और ये बाकी सरकारों ने आ, बहुत गड़बड़ की थी तो हम ये नहीं कहते कि ये आज की समस्या है ये बेदखली उनके ज़मीनों का अधिग्रहण चल रहा है बहुत दिनों से और ये जो साठ गांठ है बलपूर्वक लोगों पर अपना कब्ज़ा जमा करके उनकी ज़मीन को छीनना ये भी चल रहा है लेकिन इस मामले में तो सारे प्रशासन को जानकारी थी कि वह हमला हो सकता है और खुलेआम उनको वहाँ जाने दिया खैर उसके बाद एक बार फिर जब मीडिया में इसका काफी हुआ और लोगों ने भी इसका बहुत विरोध किया और हमारी पार्टी के लोग वहाँ पहुँच भी गए हालांकि बिल्कुल रोका हुआ था मैं पार्टी के सीपीएम के सेक्रेटरी भी वहाँ पहुँचे मिले लोगों को फिर कांग्रेस के नेता भी गए वहाँ तो बहुत बड़ा ये मुद्दा बन गया तो उसके मुद्दा बनने से ये हुआ कि जो लोग गए थे कब्ज़ा करने वो गिरफ़्तार हुए हैं और जो लोग मरे उनके परिवारों को मुआवजा मिला है और मतलब जो घायल हैं उनका कुछ उपचार वगैरह भी हुआ और सरकार ने तीन तरह के आश्वासन दिए एक तो ये कि जो लोग वहाँ हैं उनको पट्टे मिलेंगे उस जमीन के दूसरा कि जो बच्चे हैं वहाँ केवल एक पाँचवीं तक का स्कूल है उस गांव में उम्बा में तो उनके लिए स्कूल भी बनाया जाएगा और तीसरा ये कि उनकी और जो छोटी मोटी मांगे हैं वो देखी जाएंगी तो हम लोग गए थे वृंदा करात और हमारे पार्टी के सेक्रेटरी हीरा राल और मैं हम लोग छः तारीख को गए थे तो हम लोगों ने देखा कि अभी तक पट्टे किसी को भी नहीं मिले हैं जो कि बहुत ज़रूरी है उनका मिलना अनिवार्य है दूसरा वहाँ के लोग बता रहे थे कि मतलब ये ट्राइबल्स होने का सर्टिफिकेट अभी तक उनको नहीं मिला है वहाँ कुछ लोग आए थे उन्होंने कहा कैंप भी लगा लेकिन मिला नहीं है और सब लोगों के नाम भी नोट नहीं है उसका नतीजा ये है कि उस गांव में कोई राशन की दुकान नहीं है उनको दूर जाना पड़ता है और उनको अंत्योदय राशन नहीं मिलता जो उनका अधिकार है ट्राइबल होने के नाते तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है जो उनको मिलनी चाहिए तीसरा उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं पाँचवीं तक और फिर स्कूल दूर है तो हमारे बच्चे जाएंगे कैसे तो आप लोग कहिए कि हमारे ही गांव में हमारे पास जगह बहुत है हमारे ही गाँव में बड़ा स्कूल बनना चाहिए हमारे बच्चों के लिए वो दूसरी जगह नहीं जाना चाहते क्योंकि प्रधान चाहता है कि उसके गाँव में माध्यमिक बने और हमारे बच्चे वहाँ नहीं जा पाएंगे ये बातें थी और सर्टिफिकेट बनाने की बात तो ये सारी बातें हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को एक पत्र में भी लिखा कि आप इन चीज़ों को देखिए कि ये होना चाहिए लेकिन हमें बहुत अफसोस हुआ कि उन्होंने जो ऐलान किया है दो Uh, ऐसे स्कूलों का ऐलान किया है जिसमें हॉस्टल भी होगा एक लड़कों का एक लड़कियों का और लड़कियों का जो स्कूल है वो होगा प्रधान के गांव में जो कि लोग नहीं चाहते हैं अब उसी प्रधान ने हमला किया है वहीं के लोगों ने हमला किया है अब लड़कियां वहां जा कर कैसे रहेंगी कैसे वहां पढ़ेंगी और लड़कों का स्कूल भी दूर है रॉबर्ट्सगंज की तरफ है तो जब वो लोग वहाँ पर कह रहे हैं जगह है तो वहाँ क्यों नहीं सरकार स्कूल बना रही है और दूसरा ये पट्टे का काम कब होगा ये सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे वो लोग भी जमानत पर छूट आएंगे और फिर हमला होगा फिर इनके पास कोई पट्टा नहीं होगा दिखाने के लिए तो पट्टा मिलना ज़रूरी है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक गांव का मामला नहीं है ये पूरा उस इलाके का सोनभद्र चंदौली मिर्ज़ापुर इस पूरे इलाके का ये मामला है यहाँ लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है उनके पास पट्टे नहीं हैं और उनकी कोई सुनवाई भी नहीं होती है ये बहुत बड़ा मामला है वहाँ पर आंदोलन भी पिछले सालों में हुए हैं लोग आज भी उस ज़मीन पर काबिज़ हैं जो उनको 40 साल पहले मिला था और अब आंदोलन की फिर से वहाँ शुरुआत होने की पूरी गुंजाइश है जी आ, एक जो ये तो हाल फिलहाल के मामले हैं लेकिन एक जो मामला है मुजफ्फरनगर दंगों का जिसमें दर, अभी फिलहाल हाल फिलहाल फिल में कुछ खबरें सामने आई जिसमें पता चला कि इकतालीस में से लगभग चालीस जो मामले हैं उनमें आ, आरोपियों को छोड़ दिया गया है और जिस एक मामले में आ, कुछ सज़ा हुई है उसमें जो भी आरोपी हैं सारे के सारे मुसलमान हैं तो इन मामलों की क्या स्थिति है इस वक्त आप बताना चाहिए स्थिति तो वही है जो पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ही मतलब अन्यायपूर्ण तरीके से एक तरफा तरीके से सरकार तय कर रही है कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष है हमारे मुख्यमंत्री ने सबसे पहले अपने आप को ही निर्दोषी घोषित कर दिया था और उसके साथ साथ आपने देखा दूसरी जगह जो लोग चुनाव लड़े वगैरह वगैरह उस उसमें नहीं जाना चाहती हूँ उनको भी निर्दोष ठहरा दिया गया अब मुजफ्फरनगर में भी अगर हम देखें के कितने लोग मरे कितने लोग घर से बेघर हुए कितनी लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ ये सारी वो चीज़ें हैं जो प्रमाण के साथ दर्ज हुई हैं तो उनमें मरने वालों में सबसे ज़्यादा संख्या मुसलमानों की है जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं वो मुसलमान हैं जो घर से बेघर हुए वो करीब पचास साठ हज़ार लोग मुसलमान हैं लेकिन जो मामले अब बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं जिनमें लोगों को बिल्कुल निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया है या तो जो गवाह थे उनको डरा धमका करके उनको मतलब पीछे किया गया है और या फिर सरकार ने अपने आप तय कर लिया कि इसमें कुछ मामला बनता नहीं है वो सारे वो मामले हैं जिनमें या तो मुसलमान मारे गए हैं या लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ या उनको घर से बेघर किया गया और जो एक मामला था जो कवाल का पहला मामला जिसमें Uh, दो जाट लड़के और एक मुसलमान लड़का मारे गए थे उसमें जो मुस्लिम uh, नामित थे वही एक केस है जिसमें अब उनको uh, सज़ा याफ्ता भी किया जा रहा है और उसकी भी बड़ी लंबी कहानी है उनमें बहुत से ऐसे लड़के हैं जो उस दिन थे ही नहीं गांव में उनके पास रेल के टिकट हैं जो इस बात का सबूत है कि वो वहाँ थे नहीं वो कहीं और से आ रहे थे ये सारे बात सारी बातें हैं लेकिन उनकी कोई कोई सुनने को तैयार नहीं है कोई उसमें तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है और इस बात को भी कोई नहीं कह रहा है कि भाई तीन लड़के मरे थे एक मुस्लिम भी मरा था उस मामले में दो हिंदू मरे थे दो जाट मरे थे तो एक तरफ के ही लोगों को कैसे आपने दोषी ठहरा दिया ये एक सवाल है लेकिन अब इन सवालों को कौन पूछे कहाँ पूछे और किससे पूछे जब सरकार एक तरफा कार्रवाई करने पर बिल्कुल आमादा है और बहुत से लोग जो नामित थे या दोषी ठहराए गए हैं वो आज वहाँ चुने हुए प्रतिनिधि हैं एम एल ए हैं एम पी हैं तो निश्चित रूप से पूरा जो सरकारी तंत्र है वो उनको ही बचाने में और उनके ही ख़िलाफ़ मामलों को ख़त्म करने में लगा हुआ है उन्हीं में से एक है जिन्होंने अभी वो भी भाषण दिया था कि अब कश्मीरी लड़कियों को हम लोग मतलब जो भी उन्होंने कहा तो इस तरह के लोग हैं लेकिन उनको निर्दोष और नेता के रूप में अब प्रस्तुत किया जा रहा है और जो जिन्होंने हर तरह से बहुत कुछ खोया उनके दर्द को बिल्कुल अनदेखा किया जा रहा है जी सुभाषनी जी ये यूपी के कानून व्यवस्था पर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आ, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है यूपी में भी बीजेपी की सरकार है देखते हैं कि वो क्या इस बिगड़ते हुए हालात को रोक पाने की नियत रखते हैं कि नहीं uh, न्यूज़ क्लिक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहें हम और भी बहुत से मुद्दों पर आपके लिए ऐसे ही प्रोग्राम लेकर आए